अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। खुदा आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और आपको अपनी फैमिली के साथ ढेरों खुशियाँ देखने नसीब करे। चलो यहाँ पे जो आपको चिकन नज़र आ रहा है ना, क्योंकि आज 2 अक्टूबर के दिन जो है ना वो थी खुर्रम की बर्थडे, और मैंने जो है ना उनके लिए सरप्राइज़ जो है ना वो खाना और सब कुछ प्लान किया हुआ था। खुर्रम तो ऑफिस गए हुए थे और मैं यहाँ पर बना रही थी मंदी राइस और रोस्ट करके ना, तो मैंने मंदी बनानी थी। और यहाँ पे जनाब उसके लिए चिकन मैं आपको दिखाई थी कि चिकन के इतने बड़े बड़े पीसेस जो है ना वो मैंने ले लिए हैं। तो बस मैं जो है ना यहाँ पे पहला काम यही कर रही थी कि चिकन को मैंने प्रॉपर तरीके से जो मैरिनेट है ना करके रख देना था, कि 5-6 घंटे जो है ना चिकन पड़ा रहे। तो मैंने क्योंकि शाम को बनानी थी तो मैंने तकरीबन 1 बजे जो है ना इसको मैरिनेट करके रख दिया था चिकन के पीसेस को अच्छी तरह कट लगा के। तो मैंने ये सारे मसाले और जो भी हैं सरकार सब कुछ डाल के मैंने इसे मैरिनेट कर दिया था। रेसिपी मैं आपको अलग ब्लॉग में दिखाऊँगी अगर आप लोग कहेंगे तो। और ये इतने मज़े वाली डिश है ना, किसी दावत पे अगर आप इसे बनाते हैं ना तो तारीफ़ के बगैर वो बंदा रह नहीं सकेगा जो ये खा लेगा ना। तो बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ है ये। जनाब यहाँ पे जो है ना वो मैंने प्रॉपर उसको मैरिनेट करके रख दिया है चिकन को, और इसे मैं ना फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पर मैं मामू के साथ जो है ना बेकरी पर आई थी क्योंकि मुझे बर्थडे के लिए केक लेना था। तो मैं यहाँ पर यही देख रही थी कि मैं कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ। फिर मैंने जो है ना वो चॉकलेट केक फ़ाइनल करवाया था, और उस पर फिर मैंने जो है ना वो हैप्पी बर्थडे फ़िल्म लिखवाया। और बस ये मेरा काम हो गया था। मेरे जो है ना 2 दफ़ा सना बजे के घर के चक्कर लगे हैं। ये मैं केक लेके अब केक रखने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आई थी तो मैं सिरका रखने के लिए गई थी। मैं बस अब सना बजे की तरफ केक रखवा रही हूँ। ये सारे खुर्रम के गिफ्ट्स हैं, जिसमें एक ये वसीम अकरम का परफ्यूम मैंने J.Dot का लिया था। इसको ओपन जब खुर्रम करेंगे मैं तब आपको दिखा दूँगी। और ये जफर जी से जो मैंने कीचेन बनवाया था, और इसमें भी एक परफ्यूम ही है, और इसमें आउटफिटर की शर्ट्स है। तो सारी चीज़ें जब ओपन होंगी मैं एक ही दफ़ा जो है ना आपको चेक करा दूँगी। मैं अभी सॉर्ट आउट करके रख रही थी कि चलो शाम को फिर हमने 7 बजे तक आना है, उसके बाद ओनसना बाजी भी आ जाएंगे, तो फिर जो है ना हम लोग केक कट करेंगे और बाकी का जो काम है। और मैं मंदी बना रही हूँ आज तो। और बस यहाँ पे शाम के टाइम फिर मैंने जो है ना सबसे पहले जो मैरिनेटेड चिकन था उसको मैंने फ्राई कर लिया था, और उसके बाद मैंने इसे स्टीम रोस्ट करना था। तो मुझे था कि मैं ये वाला काम कर लूँ, चावल जो है ना मैं फिर थोड़ी देर बाद स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे बस तकरीबन चिकन मैंने जो है ना रोस्ट किया था, और साथ ही मैंने जो है ना वो उसको स्टीम के लिए भी सारा रोस्ट करके स्टीम के लिए इस तरीके से मैंने देखे में पानी डाल के ऊपर जो है ना वो ये स्ट्रेनर था इसी के अंदर मैंने चिकन रखा था और इसको ढाँप दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए, और बहुत अच्छा स्टीम हो गया था। और जब मैं मंदी बना रही थी ना तो अचानक से जो है ना वो सनापा के जो अम्मी और अबू है ना वो आ गए थे। सरप्राइज़ दिया उन्होंने आके लाहौर से, वो लोग ना अचानक आए थे, सनापा को नहीं था पता। तो फिर वो जो है ना हमारी तरफ ही यहाँ पे आ गए थे क्योंकि सनापा भी यहीं पे थी। तो उन्होंने सरप्राइज़ दिया था, और देख के जो है ना वो बच्चे भी काफ़ी खुश हो गए थे, अशल और अली जो है। और मैं ये जो मंदी बना रही थी ना, ये सनापा की जो अम्मी है ना उनकी ये रेसिपी है, और वो बहुत एक्सपर्ट है माशाल्लाह से। ऑब्वियसली उनका इतने साल का एक्सपीरियंस है कुकिंग में, तो उनकी कुकिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये रेसिपी उनकी थी, तो मैं ना कंफ्यूज़ हो गई थी काफ़ी ज़्यादा कि माशाल्लाह से उनके हाथ में तो बहुत टेस्ट है, पता नहीं मेरी बनाई हुई रेसिपी उन्हें पसंद आएगी या नहीं आएगी, कोई कमी बेशी ना रह जाए। तो काफ़ी मतलब मुझे डर भी लग रहा था कि यार उनको टेस्ट करवानी है तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये था कि शुक्र है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, सबने बहुत तारीफ भी की थी। तो बस यहाँ पे जो है ना हम लोगों की अब सर्विंग का टाइम था। यहाँ पे मैं और सनापा जो है ना वो बस सर्व करने लगे थे खाना के, और दस्तरखान लगा दिया था सब। हम लोगों ने कहा आप लोग बैठें, हम लोग बस खाना लेके आ रहे हैं। खाना हम लोगों ने पहले खाया था, और केक हम लोगों ने फिर लास्ट में जो है ना खाना खाने के बाद कट किया था। जी जी अच्छा ठीक है, खाओ। आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही से। मुझे मामू एक बार वीडियो में बता देना। अच्छा बनेगा। चाचू आप भी बताएं। जोर लगा के। चलो दो जोर से करो। जोर से। बैठो, बाबा खुद खोल के देखेंगे क्या है। चलो अब एक एक करके दो, बाबा खोलेंगे चेक करेंगे। मैंने गिफ्ट लिया तो वो दिखाएं। चलो ठीक है खोल के देखें। हम उसने ही पैक किया, मैंने नहीं उसे कहा।
दिखाएं। ठीक है ये बहुत मजे वाली चीज है, ये चेक करो आप देखें ना। अच्छा ये मैं ऑन से सारे चेक करके फिर लेकर आई थी। चलो अब बाबा को खोलने दो ना इसको। ढूंढे कहाँ से खुलेगा, ये निकलेगा इसके अंदर से, ये कवर है ऊपर खुल नहीं रहा। मैं ये गत्ता निकलेगा इधर से देना, निकाल लें आप, निकाल खोले अब इसे। ये सना पानी खोला था इसलिए उनको पता। जा रिया बेटा वीडियो। जनाब ये थे सारे गिफ्ट जो मैंने फिल्म का दिए थे। आई होप यू लाइक द वीडियो। जनाब वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें और जो नहीं देखने वाले हो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अपने जैसा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमान अल्लाह।